नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की मुख्य खबरों में जिस तरह से हम न्यूज़ सुनते हैं उसी तरह चर्चित व्यक्तित्व भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। सितंबर महीने के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम है इसमें मोहम्मद एल कोमी का। ये इजिप्ट के एक 28 वर्षीय इंजीनियर हैं जिन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो हवा से पानी बना सकता है, यानी हवा में जो नमी मौजूद होती है उससे यह रोबोट पानी तैयार कर लेता है। इस रोबोट के अंदर जो काम करने की कैपेसिटी है वो इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वजह से है और इस रोबोट को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसे एक ऐसी टेक्निक से रेडी किया गया है जिसमें बहुत कम खर्चा आता है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा बनता है। और जो ऐसा कि हम सब जानते हैं कि मंगल ग्रह को लेकर बहुत सारी बातें और कहानियाँ चलती है, उसी तरह से इस रोबोट से मंगल ग्रह पर भी जो वहाँ पर वातावरण में नमी है उसको ऑब्जर्व करके वहाँ पर पानी बनाया जा सकेगा, ऐसा फ्यूचर में इसके लिए प्लान। व्यक्तित्व में अगला नाम है जापान के सोतामा में एक 13 साल की लड़की है फुयुकी कोनो। इन्होंने इंडोर स्काई डाइविंग में विश्व का नया रिकॉर्ड बनाया है जो विश्व रिकॉर्ड कहलाएगा। इन्होंने एक मिनट में हवा में 78 फ्रंट स्प्लिट और 60 क्षैतिज चक्कर लगाकर दो रिकॉर्ड बनाए हैं। यह रिकॉर्ड बनाने के बाद फुयुकी का कहना था कि उन्होंने इसके लिए लगातार 3 महीने तक ट्रेनिंग की थी, प्रैक्टिस की थी और उसके बाद उन्हें यह सफलता मिली है। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम है वो आप सभी ने सुना हुआ है, ये कोई नया नाम नहीं है दुनिया के लिए। एप्पल कंपनी जो कि मोबाइल की दुनिया में क्रांति लेकर आई है और सबसे पावरफुल कंपनी में से एक मानी जाती है, इसके जो टिम कुक हैं वो दुनिया के एक सफल सबसे बड़े सीईओ बने हैं इस साल। उन्होंने लगातार 10 साल तक एप्पल में सीईओ रहने का भी रिकॉर्ड बनाया है और इनके ही नेतृत्व में इनकी कंपनी ने 2 ट्रिलियन वैल्यू वाली अपनी कंपनी बना ली है और इस तरह ये वर्ल्ड की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसका अभी मार्केट कैप अगर हम देखें तो 190.18 लाख करोड़ रुपए है और ये जो है टिम कुक जी, इनका जो प्रदर्शन है वो दुनिया में किसी भी और कंपनी के सीईओ के मुकाबले सबसे बेस्ट है। इसी के साथ सितंबर महीने में एक और नया नाम है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये हमारे देश भारत से ही है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले संगीत शिक्षक राजकुमार ने सितार वादन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने लगातार 32 घंटे और 34 मिनट तक सितार बजाया। इसके पहले केरल के ही राधाकृष्णन मनोहरन ने अक्टूबर में 2017 में 29 घंटे और 8 मिनट तक सितार बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था, यानी हमारे ही देश के एक व्यक्ति का रिकॉर्ड हमारे ही देश के दूसरे कलाकार ने तोड़ा है। करंट अफेयर में और जो चर्चित नाम है उसमें भारत के वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। ये भारत के 3 वैज्ञानिक हैं, ज्योति यादव, मौसमी दास और सुधांशु बारचे। इन्होंने जो मुख्य काम यह किया है कि फ्रांस के जितने भी रिसर्च वालों लोगों की टीम थी उनके साथ मिलकर 3 महाविशाल ब्लैक होल की खोज की है। ये सभी आपस में जुड़ी गैलेक्सीज में पाए गए हैं, यानी ये आपस में जुड़ी हुई गैलेक्सी थी उसमें ये ब्लैक होल हैं, इनकी खोज की गई है। और इसका जो मतलब मुख्य चीज़ ये होती है कि ब्लैक होल में से कोई भी किसी भी तरह की कोई लाइट जो है वो डिटेक्ट नहीं होती, यानी उसमें से लाइट नहीं आती है। जब कभी कभी कोई इंसिडेंट ऐसे होते हैं ब्लैक होल में, कोई घटना होती है वहाँ पर, उसके कारण कभी कभी रोशनी निकलती है, तब यह पता चलता है कि यहाँ पर ब्लैक होल है। और इसी आधार पर इन्होंने इसे डिटेक्ट किया है और यह एक नई खोज है। महीने के करंट अफेयर में एक नाम फिल्मी दुनिया से भी है दोस्तों। फिल्मी दुनिया को हम हमेशा उनकी कंट्रोवर्सी के लिए या फिल्मों के लिए या उनकी क्रिटिक्स के लिए जानते हैं, यानी उनकी किस फिल्म ने क्या नया किया, उससे कोई विवाद हुआ या किसी को कोई प्रेरणा मिली। लेकिन आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। इन्होंने अपनी एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम है बैक टू द रूट्स। तमन्ना ने इस किताब को सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कॉन्टिनो के साथ मिलकर लिखा है और इस किताब में भारत के स्वास्थ्य और कल्याण के प्राचीन रहस्यों के बारे में उन्होंने सारी जानकारी दी है।
तमन्ना का कहना है कि भारत स्वस्थ जीवन पर सदियों पुराने ज्ञान से भरे पुस्तकालय के समान है, यानी हमारे देश के जितने भी पुराने रूल्स हैं, नियम हैं स्वस्थ रहने के, वो सभी साइंटिफिक है और उनकी हर एक चीज़ में बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है, रहस्य छुपा है। और उनका ये कहना है कि अब ये समय आ गया है कि हम स्वस्थ रहने के लिए जितने भी हमारे पारंपरिक तरीके हैं उन पर दोबारा गौर करें, और उससे जुड़े हुए सारी चीज़ों को उन्होंने इस किताब में संजोया है। यह किताब ऑनलाइन उपलब्ध है, यदि आप चाहें तो वहाँ से इसे लेकर पढ़ सकते हैं। इसी के साथ सितंबर महीने में एक और चर्चित नाम है अतुल भट्ट का, जिन्हें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भट्ट इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की सलाहकार कंपनी मैकॉन के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक थे और 25 जून को लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने RINL के CMD पद के लिए भट्ट के नाम की सिफारिश की थी। करंट अफेयर में एक और नया नाम है चर्चित, जो इस महीने के करंट अफेयर के हिसाब से बहुत उपयोगी है। सरकार ने हर्षा भूपेंद्र बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक का प्रबंध निदेशक यानी MD नियुक्त किया है। इससे पहले वह इसी बैंक में उप प्रबंध निदेशक के पद पर थी और उन्हें 3 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, करंट अफेयर में ये जितने भी चर्चित नाम होते हैं ये बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये सारे लोग इन सारे संस्थानों को या अपने किए हुए कामों को एक नई गति देते हैं, दिशा देते हैं। इनका जो व्यक्तित्व होता है, जो चरित्र होता है, वो सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए जब हम किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम यह समझें कि देश में अलग अलग जगहों पर किस तरह के लोग लीड कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और उनका चरित्र कैसा है, उनके काम करने का ढंग कैसा है, ताकि उसका समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका हम विश्लेषण कर सकें। इसीलिए हम ऐसे हर संस्था से जुड़े हुए लोगों को या कोई जो पर्सनली काम करते हैं उनको विशेष व्यक्तित्व में लेते हैं और उनके संबंध में जानकारियां इस तरह की परीक्षाओं में पूछी जाती है। सितंबर महीने में नेक्स्ट जो नाम है वो है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एक नए अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है SL त्रिपाठी और ये वर्तमान में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में महाप्रबंधक और निदेशक हैं। और इनकी जो ये कंपनी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो कंपनी है इसकी स्थापना 1938 में की गई थी 18 फरवरी को, यानी ये देश की आज़ादी की भी पहले वाली कंपनी है और इसमें एक नए निदेशक के रूप में SL त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर में सितंबर महीने में एक नाम ऐसा जुड़ा है जिनका संबंध हमारे देश की संसद से है, डॉक्टर PPK रामाचार्यलू को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के जो सभापति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, इन्होंने इन्हें सर्वोच्च पद पर अगले आदेश तक नियुक्त किया है। और डॉक्टर रामाचार्यल 2018 से राज्यसभा सचिवालय में सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं और जिनका ये स्थान लेने वाले हैं उनका नाम है दीपक वर्मा, यानी दीपक वर्मा ने जब इसके पहले महासचिव के पद से त्यागपत्र दिया तो उसके बाद यहाँ पर इनकी नियुक्ति की गई है। और साथ ही सबसे विशेष बात जो इनके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि इन्हें जो संसद के कामकाज होते हैं उसके हर पहलू को देखने और समझने का 40 साल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, यह तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के पद के साथ साथ भारतीय सशस्त्र बलों के जो सेना होती है उसके सर्वोच्च कमांडर भी माने जाते हैं। तो सेना में एक चलन है कि एक सैन्य इकाई को राष्ट्र में जब वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं शांति और युद्ध दोनों परिस्थिति को बनाए रखने के लिए, तो राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें ध्वज प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने INS हंस गोवा में जो है भारतीय नेवल एविएशन, इनको ये ध्वज प्रदान किया है। यह पुरस्कार उन्होंने अपनी तरफ से दिया है क्योंकि पिछले 7 दशकों में उन्होंने हमारे देश के लिए उल्लेखनीय रूप से वीरतापूर्वक कार्य किया है, सेवा की है, इसके लिए उन्हें यह ध्वज राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। हम
इस ध्वज के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारतीय नौसेना 27 मई 1951 को राष्ट्रपति जो थे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने यह ध्वज पहली बार प्रदान किया था भारतीय सशस्त्र सेना को।